नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। ड्रीम अचीवर्स क्लब द्वारा दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में कोविड 19 की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए नारी इन साड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में गुलाबू सपेरा, पूनम खंगारो, शिल्पी शाह, ममता शर्मा, राखी सपेरा, तमन्ना शर्मा, आंचलपुरी, भावना महर्षि, दीपिका शर्मा, मनीष शर्मा, सुष्मिता देव, विवेक सिंह जादौन, महंत रविशंकर और लियाकत अली प्रमुख रहे। इस अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मूवर्स एंड शेकर डांस ग्रुप द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। क्लब की फाउंडर प्रीति गोयल, प्रेसिडेंट मीनाक्षी जैन और वाइस प्रेसिडेंट शिल्पा अग्रवाल ने ड्रीम अचीवर्स क्लब के बारे में जानकारी दी। ये क्लब सदैव महिला उत्थान और नारी सशक्तिकरण के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि इसका मानना है कि एक सशक्त नारी एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। नारी उत्थान के इस कार्यक्रम को सजोने में मरुधर बुलेटिन, भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स, राज सोप और कॉर्नेटो ने अपना अहम योगदान दिया। कार्यक्रम में शो ओपनर नेहा माहेश्वरी ने अपने डिजाइनर कलेक्शन के साथ रैंप वॉक किया और कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस दौरान सभी प्रतियोगियों ने साड़ी में रैंप वॉक किया और अपने हुनर को दर्शाया। आयोजित रैंप वॉक में निर्णायक की भूमिका निभाई बॉलीवुड ड्रेस डिजाइनर संजय शर्मा, रोहित खत्री और पूर्वा रानावत ने। निर्णायक मंडल द्वारा ट्विंकल मेहता को प्रथम, योगिता पारिक को प्रथम रनर अप और सुरभि अग्रवाल को सेकंड रनर अप घोषित किया गया। इसके अलावा 7 अन्य टाइटल भी दिए गए। लियाकत अली, जीत भारद्वाज और दीपिका शर्मा की गायकी ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। गुलाबो सपेरा ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का समा बांध दिया। क्लब के सदस्य नीरू दाहल, सुप्रिया अग्रवाल, आशा जांगीर, शिल्पी सक्सेना, शिवानी सक्सेना, गायत्री सिंह, मीना सैनी, कुशम डागर, शैली अग्रवाल, नेहा माहेश्वरी, प्रीति अथिया, रेणु कुशवाहा, अनीता शर्मा, सुनीता कराडिया, प्रिया अग्रवाल, शैली अग्रवाल, संजू शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। कोरियोग्राफर रोहित शर्मा और सीमा सेठी ने भी सभी प्रतियोगियों को रैंप वॉक सिखा, कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो आपका ये ड्रीम एचीवर्स क्लब है, आज आपने ये इवेंट रखा है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं इस इवेंट के माध्यम से एक तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी की शोभा साड़ी में ही है, और दूसरा हर महिला को अपना जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक मेल मेंबर को, और खुश रहने का अधिकार भी है। महिला हमेशा अपने लिए तो पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती है, सबको निश्चल भाव से करती है, लेकिन खुद के लिए शायद स्वार्थी बन जाती है, और मतलब स्वार्थी नहीं होती और कुछ नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे ड्रीम अचीवर क्लब उनको ये सिखाता है कि खुद के लिए भी जियो और अपने पैरों पे भी खड़े हो, ताकि आप परिवार को एक अच्छे से मैनेज कर पाओ, अपने पैरों पे खड़े रहो। प्रीति जी, आजकल देखने में आता है कि मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, जो पुरानी की वेशभूषा है, साड़ी वगैरह, ये आजकल कम ही देखने को मिलता है, तो हाँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में ये बोलूँगी कि लोगों ने वेस्टर्न पूरा ले लिया है, मतलब आधुनिकता अपना ली है, लेकिन संस्कार वही होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप रोजाना साड़ी वियर करो, लेकिन जो राजस्थान की हमारे भारत की शोभा है वो वियर तो करनी, वन पीस गाउन और एंड ऑल सब कुछ चलता है वो ठीक है। ये उसी तरह से कि जैसे खाना तो रोजाना घर का खाते ही हैं, पिज़्ज़ा कभी खाते हैं, तो लाइक दिस, तो आपको साड़ी तो हमेशा पहनी है, आप गाउन पहनिए, कभी पहनिए, और वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आपने इनको सबको एक जगह किया, एक प्लेटफॉर्म पे मंच साझा किया है, तो आप आज के इवेंट के बारे में बताएंगे, आज क्या क्या प्रोग्राम था? आज एक्चुअली ड्रीम अचीवर क्लब में हम लोग क्या करते हैं वो हमने बताया, कि कैसे हम एक महिला को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, कैसे उसको खुश रहना सिखाते हैं, कैसे वो दूसरों की हेल्प कर पाए। हमारी टीम में अभी अराउंड 25 लोग हम लोग हैं, तो हम सब हर उन महिलाओं को मतलब सपोर्ट करते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, किसी भी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे आज नारी इन साड़ी, जैसा कि आपको बताया हमने, यहाँ पे सारी जितनी भी फीमेल हैं, महिलाएं हैं, वो उनमें से कोई भी मॉडल नहीं है, सब घरेलू महिलाएं हैं जो आज साड़ी पहन के यहाँ पे रैंप वॉक करेंगे, और उन्हीं में से आज विनर होगी नारी इन साड़ी। और इसके अलावा हमने आज यहाँ पे सिंगिंग भी रखा है, हमारे साथ में हमारी बहुत सारे लोग जुड़े हुए, लियाकत अली सर हैं, हमारे लिए सर आए हैं, साला सर से आए हैं, रविशंकर जी हैं, संजय शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड डिजाइनर हैं, हमारे साथ में मनीष सर भी आए हैं जो कि सीकर से हैं, हमारे साथ लियाकत अली हैं ही सिंगिंग में, हमारे साथ ममता जी जुड़ी हुई हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है, हमारे साथ पूनम जी हैं, ये सब हमें सपोर्ट करते हैं, ऑल ऑफ मेरी टीम। ड्रीम जो ये अपना क्लब है, इसके बारे में आप बताएंगे कब से हैं, कब से? एक्चुअली ये 2011 से चल रहा है, और आज इसको मतलब ऑलमोस्ट 11 साल कंप्लीट हो गए हैं,
और अभी तक हमें 11,500 महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करा है। उनकी जो ज़रूरत होती है हम पूरी कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई भी परेशानी लेके आता है तो हम उनको पूरी 24 घंटे में पूरी वो परेशानी को सॉल्व करने का साधन दे देते हैं, ख़त्म करने का। आज के इवेंट के बारे में आपका ये कैसा ये इवेंट लग रहा है, आप इसमें आके प्रेजेंट होकर कैसा फील कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो प्रीति मैडम और उनकी पूरी जितनी भी टीम है ड्रीम अचीवर क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से जयपुर नहीं पूरे राजस्थान भर से आपने लगभग 3-4 महीनों से इस प्रोग्राम को सुपर बनाने के लिए राजस्थान के कोने कोने में और गांव-गांव शहर-शहर में लोगों को इतला की है, और आज हमें आके इतना बहुत अच्छा लगा जिन्होंने ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं ये नारी साड़ी मतलब भारत की ये परंपरा है साड़ी में, और आपने इस परंपरा को कायम रखते हुए आज जो प्रोग्राम इस संस्थान में किया है मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बालाजी महाराज इनको इतनी शक्ति दे ताकत दे कि ये और अच्छा प्रोग्राम आने वाले समय में करें। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी पूरी टीम के। जय बालाजी। ममता जी, आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का इवेंट प्रीति जी ने बहुत ही अच्छा इवेंट रखा है, बहुत सोच समझ कर रखा है। ऐसे ही प्रोग्राम का समय समय पर आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे जो हमारी आज के दौर में महिलाएं पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रही हैं और हमारे कल्चर को भूलती जा रही हैं। प्रीति जी ने बिल्कुल सही कहा, नारी की शोभा साड़ी में ही है, और साड़ी में जो लेडीज़ का ग्रेस आता है वो किसी वेस्टर्न ड्रेस में नहीं आता, साड़ी कभी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होती। तो मेरा सभी से है कि हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएँ, विदेशी संस्कृति के पीछे नहीं भागें। धन्यवाद।